करते हैं। लाओस में वैंगविंग में हूँ, हॉस्टल का नाम है वैंगविंग लॉक हॉस्टल, जो कि मुझे वैंटीन से आया था, 2 आवर्स लगा था मिनी वैन में वहाँ से आने के लिए, 300 बार चार्ज था। यहाँ पे हॉस्टल वहाँ से जहाँ पे ड्रॉप किया वहाँ से नज़दीकी था। जैसे कि पीछे देख रहे हैं हॉट एयर बलून है, काफ़ी फेमस है, तो वो तो आप करना ही, मेरा तो मिस हो गया। हॉट एयर बलून का कुछ 3400 बार चार्ज है, लोकेशन के हिसाब से आप बाहर भी इंक्वायर कर सकते हैं, कम होगा। मॉर्निंग का 5:45 AM पिकअप सनराइज़ के लिए और इवनिंग का 4 PM का पिकअप सनसेट देखने के लिए। मेन वो एक अच्छी एक्टिविटी है, और भी एयर एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, पैराग्लाइडिंग जैसे, जो कि मैंने पहले भी कहीं और की है। कल मैं केव्स देखे यहाँ पे, केव्स बहुत अच्छे हैं, मैंने बाइसिकल रेंट की थी, 100 बात लगा था। लगा था 5-6 किलोमीटर्स लगा था साइकिल करके, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ब्लू लगून वन देखा, वो तो बहुत सही जगह है, वहाँ तो आपको जाना ही चाहिए। ब्लू लगून लगून 1-2 है ऐसे नाम के, और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ है, जैसे एलिफेंट्स का है, ग्रुप टूर्स है, रॉक क्लाइंबिंग है, तो आपको जो इंटरेस्ट हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस हॉस्टल में स्टे बंक बेड था 10 का, 200 बात लगे, कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वॉशरूम सब अच्छा है, सब क्लीन है, पीपल आर फ्रेंडली। यहाँ पे थाई बात भी लेते हैं, क्योंकि मैं थाई बात ही लाया हूँ, किप मेरे पास नहीं है, जो यहाँ की करेंसी है। बाहर के लोकल शॉप्स भी थाई बात पूछे तो वो देते हैं, थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है पर कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज का कम्युनिकेशन का है, पर आप इशारों से या नोट वोट दिखा के बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलता है, मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया है और पैनकेक, बाकी फ्रेंच टोस्ट, ऑमलेट, वही नॉर्मल ऑप्शंस है, इंक्लूडेड है, उसके लिए अलग से पे नहीं करना पड़ता है। और यहाँ से वैंगटीन के लिए वापस बस मिनी वैन बुक की है, 320 अप्रॉक्सीमेटली, 2 घंटे लगेंगे क्योंकि वहाँ से आगे का सफ़र है। और यहाँ से डायरेक्ट भी बैंकॉक के लिए ट्रेन है, पर वो थाई सिटीजन्स के लिए है, क्योंकि उन्हें वीज़ा नहीं लगता, नॉट फॉर अस, नॉट फॉर इंडियंस, ये मैंने पूछा। तो वैंगटीन बस स्टॉप से थाउस लाइन थाउस लाइफ थाउस लाउस फ्रेंडशिप बिच, वहाँ पे जाऊँगा। वहाँ से इमिग्रेशन करके नॉन्काई से बैंकॉक, ये मेरा रूट। कॉफ़ी मिल्क शायद कंडेंस मिल्क है, इसमें मीठा होगा। और भी पैनकेक मंगाया है फ्रूट के साथ, देखते हैं। ब्रेकफास्ट आ गया, पैनकेक मैंने ऑर्डर किया था तो जल्दी बना दिया, मॉर्निंग में 8 o'clock को स्टार्ट होता है। बहुत सारे ऑप्शन है, ब्रेकफास्ट मेन्यू, फ्रेंच टोस्ट और एग, टी, कॉफ़ी, फ्रूट सैलेड, तो आपको जो सिलेक्ट करना है मार्क कर दो, इंक्लूडेड है क्वेश्चन।